हेलो मेरी चूटू फैमिली, कैसी हो? आई हो आप ठीक होगे? मैं भी ठीक हूँ। तो शादी में आ गई थी मैं, शादी में जाके मैंने वीडियो भी बनाई। तो उधर से थोड़ा सा हमारा झगड़ा चल रहा था गगन के साथ में। तो आप लोग सब बोलते थे आप कंचन को अपने पास क्यों नहीं रखती। देखो जी, मेरा मैटर है, मेरे घर का मैटर है ना। कंचन को मैं घर में इसलिए नहीं रखती क्योंकि मेरे घर लड़का है ना। लड़के की मैं शादी करूंगी तो उनको उसको मैं कैसे रखूं, क्योंकि मेरे लड़की के भी शादी नहीं होगी। सबको पता है जब लड़कियां घर में रहती हैं तो लड़की वाले रिश्ता नहीं करते। तो इस वजह से मैं उसको अलग से रखती हूँ। रेंट पे मैं उसके घर जाती आती हूँ, उसके पास रहती हूँ, ठीक है। वो मेरे पास आती जाती है, एक सामान ही तो अलग से रखा है, बाकी तो मेरे पास ही रहती है। तो लोग गलत बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं कि वो अकेली अपनी ऐस परस्ती चाहती है। वो अकेली, मैं ही उसको अलग रखा हुआ है कि अकेली नहीं रहती वो मेरे पास ही रहती है। रात को भी दिन को भी इधर ही रहती है, कभी कभार जाती है अपने घर में, ठीक है। जितने दिन बीमार थी कितने दिन मेरे पास रही वो। पहले भी वो मेरे पास ही रहती थी, प्रियांश भी मेरे पास रहता था। लोग बातें करते हैं, उसका बेटा भी है उसके साथ में, वो अकेली थोड़ी ना है। उसका बेटा भी जवान हो गया, वो छोटा नहीं है, वो सब बात समझता है, ठीक है। माँ बेटा अपनी ज़िंदगी खुद से गुजार लेंगे, तो ये बातें करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अब प्रियांश परस्ती के लिए अलग रहती है, उसको मैंने ही रखा हुआ अलग से। वो तो मेरे साथ रहना चाहती थी, पर मेरी भी मजबूरी है, ठीक है। मेरे लड़के का रिश्ता हो नहीं होएगा, मेरे रिश्ते की शादी नहीं होएगी अगर लड़की घर में बैठी होएगी। बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अगर मैं उसके पास ना जाऊँ फिर तो आप बोलो कि वो अकेली रहती है, सब उसके साथ में है। जो बात थी गगन की, वो मैंने भी उसको बोला था कि तूने नहीं रखना, नहीं रखना। वो उसने फिर अपनी मर्जी करी, फिर वही लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई फायदा निकला? आया था भी सुधर गया, सुधर गया। वो कहाँ शादी आना पड़ा। और उधर जब शादी में मैं लेट ही पहुंची थी थोड़ा सा, उधर से इनकी जो नंद कार्ज थे, जिनको फेरे बोलते हैं, वो शुरू हो गए थे गुरुद्वारे में। तो लाइट पड़ रही थी, अच्छी तरह बन नहीं रही थी क्योंकि लेडीज़ तो पीछे बैठ के बना सकती है, आगे तो खड़ा नहीं होया जाता है, अच्छा नहीं लगता लेडी वीडियो बनाती। तो ज़्यादा तो रिश्तेदार उनके आए नहीं थे, थोड़े ही थे। तो उनके चार लामा होती हैं, बाबा जी पाठ करते हैं, वैसे वैसे लामा शुरू हो जाती हैं। फिर चार लामा जो बाबा जी के भीड़ होती है उनके साइड उस पे से पीछे से निकल के होती हैं। दिखाती हूँ मैं आपको जैसे होती है। थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट करी थी मैंने, ज़्यादा नहीं करी क्योंकि मेरे से शुरू हो गए थे जब मैं गई। शुरू होने वाली थी गुरुद्वारे में, चाय पानी पी थी मैं साथ के साथ ना उनके घर, उनके गुरुद्वारे में पीछे चली गई थी। लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, रोशनी तो वीडियो अच्छी तरह बन नहीं रही थी। मैंने वैसे ही बना ली जैसे कि जितनी को बनी। उनके आदमी भी 10 के आदमी आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। उधर से प्रियांश मेरे को बोल रहा था कि पम्मी घर चल, घर चल। बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पूरा दिन बारिश नहीं हटी। उधर से नीलम ने आना था तो मैंने भी तैयारी तूरी करनी थी, लामा शुरू हो गई हैं। ये चार लामा हुई थी, ये लड़की की शादी। देखो लड़की कितनी सुंदर है। तो चंडीगढ़ में शादी हुई थी, लुधियाना में जॉब करती है। तो बहुत अच्छे से किया बाबा जी ने, जैसे जैसे बाबा जी ने ले रखी थी उसी बेचारी ने। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, खाने पीने का, चाय पानी का। तो गरीब आदमी कितना कर सकता है, जितना करता है उतना ही किया। तो बहुत अच्छी फैमिली थी उनकी, जो लड़के वाले थे उनकी भी बहुत अच्छी फैमिली थी। तो सब रिश्तेदारों ने अच्छे से एंजॉय किया शादी में। तो लड़का भी बहुत सुंदर था, लड़की भी बहुत सुंदर थी। लड़की ने पहले सूट पाया जो गुरुद्वारे में वो सूट पाते हैं, उसके बाद में उसने लहंगा पाया। जयमाला थी तो जो बाद में हुई थी,
वो जब लहंगा डाल के आई तब जयमाला हुई थी। पहले सबसे पहले गुरुद्वारे में चाय पानी पी और गुरुद्वारे में लावा फेरे लिए, चार फेरे लेते हैं इनके। जो लामा होती है वो चार होती हैं, वो ऐसे ही बैठते हैं उठते हैं, चार बार होता है, चार लामा ले ली इसने। तो सूट बहुत ज़्यादा प्यारा है, हमारे पंजाबी कल्चर में ना ये सूट बहुत ज़्यादा माना गया है। सूट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था लड़की का। उधर से लबू के भी खांसी होगी, लबू आया उसकी भी खांसी, हमारे भी खांसी होगी। मौसम ही ऐसा चल रहा है खांसी का, तो वीडियो रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ और खांसी आ रही है। सवेरे मॉर्निंग टाइम है, क्योंकि मैं कल भी वीडियो नहीं पा डाल सकी थी, मेरे को टाइम नहीं मिला था। अब देखो गेस्ट भी घर पे आए हुए हैं, तो नीलम और उस आए हुए हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता ना वीडियो शूट करने का ना कुछ। मैंने ये रखी हुई थी क्योंकि 2 दिन इतना झगड़ा चला कि मैं वीडियो पा नहीं पाई। तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ फैसला का। इतने मैंने सोचा चलो ये वीडियो पड़ी है मेरे से, मैंने टाइम निकाल के मॉर्निंग टाइम तो इस पर रेडी की, इसको रिकॉर्डिंग लगाया, तो मैं कहा चलो ये तो पा दूँ मैं। 2 दिन हो गए तो वीडियो नहीं कोई पा पाई थी। तो आप मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया करो, इधर से लावा भी हो चुकी हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में लघु दिखाऊंगी मैं, आगे थे वो ट्रेन में से, मैंने खाना खुना बना के रखा उनके लिए, वेट करती रही वेट करती रही। तो मैंने सोचा कहीं सनी आएगा साथ में, तो नहीं, पहले वो मेरे को सरप्राइज देते थे, तो फिर इस बार तो वो ट्रेन में ही आई नीलम। उसके बाद वो नन्नू उसको लेने गया, नन्नू लेने के लिए गया तो उसको लेके आया ट्रेन में से। तो लो जी लामा भी हो गई हैं, बाबा जी भी प्रसाद देते हैं इस टाइम। जब अरदास हो अरदास होएगी, अरदास के बाद में फिर बाबा जी भोग प्रसाद बांटते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था कि कैसे होता था, तो ये शादी का तो ये गुरुद्वारे में उसके बाद में चाय पान खाने पीने के लिए टिक्कियाँ लगी हुई थी, नूडल लगे हुए थे, गोलगप्पे लगे हुए थे। गुरुद्वारे से आके सब खाने पीने लग गए, तो मैं भी उतरी थी, मैंने भी खाया। ज़्यादा तो मैं सिखाया नहीं जाता, तो सब लोग खा पी रहे थे। ये हमारे लड़की और जमाई हैं, दामाद हैं, तो सब करने में लगे। हाँ जीरू यार
चलो स्कूल जाना ना सवेरे। नहीं 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 माँ, कुछ ना कुछ तो उठना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लड्डू आ गया। लड्डू कहाँ है? लड्डू तो है नहीं का, तू सामान मेरा। लड्डू लड्डू आ गया। लड्डू भाऊ कितनी है? आ जा अंदर, तो आ जा आ जा। कुत्ते ने बना लग गया। आ जा आप बदलो। लो जी आ गई है। बहुत लंबा सफर था। बहुत लंबा सफर, बहुत लंबा सफर। अरे लड्डू। हाँ लड्डू मेरा आ गया। लड्डू देखदा कितने आ गया। लड्डू भाऊ को कितनी है? हम सो जो। ये क्या है कैमरा? मामा कितने है? मामा आई आ गया तो मामा तू खिलौने है। लो जी लड्डू आते ही नाचने लग गया, गाने चले हुए थे। देखो लड्डू का डांस, नाच रहा है लड्डू, खाना भी खा रहा है तो नाच भी रहा है। वो गिर गया। लो जी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए, अब वीडियो का एंड हो रहा है। तो देखो हम नोबी के घर गए। शीशी पिंजा देख लो, एडा वड्डा मेनू भी प्यारे। लो जी असी आ गए नोबी कोले, है ना नोबी? केड़ी गड्डी लेनी? नोबी कोले आ गए, है ना नोबी? नोबी देखो निक्का जा काका, वो काकी की कर दिया। लड्डू देख तो ला रहा। इधर तो देख मेरी तरफ। हाय करो। हाय कर दो कर दो। पता भी कैमरा चल गया। नखरे लगाता मेरी वीडियो में। किन्ना हुआ हो गया। लड्डू मैं कहाँ बैठू? ये 200 किलो नानी का बैठ। 2 किलो का बस। नानी को कहाँ बैठाएगा? नानी को कहाँ बैठाएगा बता पहले? मैं कहाँ बैठू? कहाँ बैठाएगा? नानी कहाँ बैठेगी? चल तू उठ जाएगी।